हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टिकटॉक्स में। आज मैं आपको ऑपरेशंस ऑन क्यू पढ़ाने वाली हूँ। क्यू क्या होता है, उस पर हम कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सबसे पहले हम क्यू क्या होता है उसका एक जस्ट ओवरव्यू देखते हैं। फिलहाल तो मैं ये जानती हूँ और ये समझती हूँ कि आप लोगों को क्यू पता है, इसलिए आप ऑपरेशंस ऑन क्यू ये वीडियो देख रहे हो। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इन शॉर्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि क्यू क्या होता है। तो हमारा क्यू जो होता है वो नॉन प्रिमिटिव एंड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। नॉन प्रिमिटिव एंड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं वो अगर आपको जानना है तो आप मेरा पहला वीडियो देख सकते हो, जिसका शॉर्टकट लिंक मैं यहाँ पे राइट अप कॉर्नर में फ्लैश कर रही हूँ। तो क्यू जो होता है वो नॉन प्रिमिटिव एंड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। सॉरी, जो ये डेटा स्ट्रक्चर है उस पर हम दो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, वो होता है इंसर्शन ऑपरेशन एंड डिलीशन ऑपरेशन। बेसिकली ये दोनों ऑपरेशन जो होते हैं वो डिफरेंट एंड्स पे परफॉर्म होते हैं अगर ये हमारा क्यू डेटा स्ट्रक्चर है। यही ऑपरेशन अगर हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर पे परफॉर्म करते हैं तो वो सिंगल एंड पे परफॉर्म होते हैं। अगर आपको स्टैक के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरा स्टैक वाला वीडियो भी यहाँ पे देख सकते हो, जिसका शॉर्टकट लिंक मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। तो फिलहाल हम क्यू से कंटिन्यू करते हैं। वो जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, इंसर्शन ऑपरेशन एंड डिलीशन ऑपरेशन, वो जो टू डिफरेंट एंड पे परफॉर्म करते हैं उस एंड को हम क्या बोलते हैं, तो चलो देखते हैं। तो अगर हमें नया एलिमेंट इंसर्ट करना है तो उसको हम बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेशन, जो हम परफॉर्म करते हैं रेयर एंड पे। अगर हमें एग्जिस्टिंग एलिमेंट डिलीट करना है तो उसको हम बोलते हैं फ्रंट डिलीशन ऑपरेशन, जो हम परफॉर्म करते हैं फ्रंट एंड पे। जो क्यू होता है उसको हम फीफो स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। फीफो स्ट्रक्चर इसका मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होता है जो क्यू में सबसे पहले इंसर्ट होता है वही क्यू से सबसे पहले आउट और एग्जिट होता है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर। ये मैं आपको एक डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करूंगी। ये जो है वो एक क्यू है जिसमें ये सारे पर्सन क्यू में खड़े हैं। ये जो महिला है वो सबसे पहले क्यू में इंसर्ट हुई है और वो सबसे आगे है, वो सबसे पहले डिलीट हुई है, इसलिए इस एंड को हम बोलेंगे फ्रंट एंड। और ये जो इंसान है वो सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ है हमारे क्यू में, और इस एंड से सारे इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, इसलिए ये हो गया हमारा रेयर एंड। अभी ये इंसान सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ है इसलिए इनको सबसे लास्ट में सर्विस मिलेगी। ये महिला सबसे आगे है, सबसे पहले इन हुई थी, यह सबसे पहले आउट हो जाएगी। इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फीफो स्ट्रक्चर और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर। अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशन हम क्यू पे और कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि ये जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ये जो ऑपरेशंस जो एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्यू डेटा स्ट्रक्चर पे, वो हमने क्यू इम्प्लीमेंट किया हुआ है एरे के साथ। एरे जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है उसके हेल्प से मैंने नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्यू बनाया हुआ है, इसलिए यहाँ पे इंडाइसेस मैंने दिए हुए हैं 0 to 5। इसका मतलब है कि हमारे क्यू का मैक्सिमम साइज है 6, सो हमारी क्यू में मैक्सिमम 6 एलिमेंट्स हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं ऑपरेशन आपको बताती जाऊंगी उसके साथ साथ मैं यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन भी बताऊंगी, जिसकी मदद से आपको क्यू को इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये ऑब्जर्वेशन आप हमेशा के लिए याद रखते हो तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर आप कभी नहीं भूलोगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेशंस ऑन क्यू। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये होता है कि इनिशियली जब भी हम इंसर्ट ऑपरेशन और कोई भी ऑपरेशन जिस पे हम परफॉर्म करते हैं, क्यू हम यूज करना चाहते हैं, उससे पहले हमें जो फ्रंट एंड रेयर पॉइंटर्स और वेरिएबल्स जिसके साथ हम इंसर्ट, रेयर के साथ इंसर्ट एंड फ्रंट के साथ डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वो हमें सबसे पहले -1 पे इनिशियलाइज करना है।
जो हमें क्या इंडिकेट करेगा, हमें वो इंडिकेट करेगा कि हमारा क्यू एम्प्टी है। तो यहाँ पे दोनों इनिशियलाइज कर लेते हैं, फ्रंट एंड रेयर एट माइनस वन पोजिशन। अभी हम देखते हैं कि कौन सा ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है। तो चलो हम सबसे पहले इंसर्ट और एन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। उससे पहले हमें ये देखना है कि हमारा क्यू फुल है या नहीं। अगर हमारा क्यू फुल है तो हम इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा क्यू फुल नहीं है, इसका मतलब हमारी क्यू में स्पेस अवेलेबल है, तो ही हम इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इट इज़ वेरी यूजुअल थिंग कि अगर स्पेस है तो ही हम इंसर्ट परफॉर्म कर सकते हैं, अगर स्पेस नहीं है तो हम इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है। तो यही चीज़ें हम यहाँ पे चेक करेंगे इट्स फुल ऑपरेशन के साथ। तो ये चेक करेगा हमारा क्यू फुल है या नहीं। फिलहाल हमारा क्यू फुल नहीं है तो हम इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम इंसर्ट ऑपरेशन कौन से एंड पे परफॉर्म करते हैं? हम इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं रेयर एंड पे। फिलहाल हमारी क्यू एम्प्टी है तो हम, अगर हमारा क्यू एम्प्टी है तो अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करना है तो हमें दोनों वेरिएबल, दैट इज फ्रंट वेरिएबल एंड रेयर वेरिएबल, दोनों हमें माइनस वन से रीइनिशियलाइज करने हैं जीरो पे, क्योंकि जीरो पोजीशन पे हम हमारा नया एलिमेंट इंसर्ट करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कि हमें ये कैसे करना है। तो रेयर मैंने, सॉरी फ्रंट मैंने हटा दिया, रेयर भी मैंने हटा दिया, और दोनों फ्रंट एंड रेयर मैंने रीइनिशियलाइज कर दिया जीरो पोजीशन पे, और ये आ गया हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो हमारी क्यू में हमें इंसर्ट करना है। अभी देखते हैं नया वाला ऑपरेशन हम कौन सा परफॉर्म करते हैं। हम चलो परफॉर्म करते हैं फिर से इंसर्ट ऑपरेशन, जो कि हमें नया एलिमेंट इंसर्ट करने में मदद करेगा। उससे पहले हमें चेक करना है कि हमारा क्यू फुल है या नहीं। अगर हमारा क्यू फुल नहीं है तो हम इजीली इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो अभी फिलहाल हमारी क्यू में एक एलिमेंट अवेलेबल है, जो नया एलिमेंट हमें इंसर्ट करना है ऑब्वियसली वो आ जाएगा पोजिशन वन पे। कौन सी एंड पे हम इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं? वेरी गुड, हम इंसर्ट ऑपरेशन जो परफॉर्म कर रहे हैं वो रेयर एंड पे कर रहे हैं। तो अभी हम इंसर्ट ऑपरेशन जो परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए हमें क्या करना है? हम यहाँ से रेयर हटा देंगे। चलो ये हटा दिया, रेयर हम वन को फिर से रीइनिशियलाइज करेंगे। हमने यहाँ पे रेयर फिर से रीइनिशियलाइज कर लिया, और उसके बाद अब यहाँ पे हम हमारा नया एलिमेंट इंसर्ट करेंगे। तो ये आ गया हमारा नया एलिमेंट जो हमने इंसर्ट किया हुआ है, वो है 20। फिर से हम इंसर्ट नया एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वो हो गया इंसर्ट ऑपरेशन। वही हमें फिर से दोहराना है, हमें चेक करना है हमारा क्यू फुल है या नहीं। हमारा क्यू फिलहाल फुल नहीं है तो हम इंसर्ट ऑपरेशन इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस रेयर को हटा देते हैं नए पोजीशन पे, उसको रीइनिशियलाइज कर देते हैं, और इस पोजीशन पे हम नया हमारा एलिमेंट इंसर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से आप हमारी क्यू में एक करके एक इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एवरी टाइम आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हमारा क्यू फुल है या नहीं। अगर फुल है तो हम इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, हमें इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है। अगर हमारा क्यू फुल नहीं है तो हम इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलो अब देखते हैं हम नया नेक्स्ट वाला ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करते हैं। तो हम नया वाला ऑपरेशन डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। डिलीट ऑपरेशन हमारा परफॉर्म करने से पहले हमें क्या चेक करना है कि हमारा क्यू एम्प्टी है या नहीं। ये भी वेरी यूजुअल थिंग है कि अगर कुछ हमारे पास कुछ डेटा अवेलेबल है तो ही हम उसको डिलीट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम क्या डिलीट करेंगे? कुछ डिलीट करने के लिए कुछ डेटा होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें इसीलिए चेक करना है कि हमारे क्यू में कुछ डेटा अवेलेबल है या नहीं। अगर नहीं है, इसका मतलब हमारा क्यू एम्प्टी है, तो हम डिलीट और डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। अगर डेटा अवेलेबल है तो ही हम डिलीट परफॉर्म करेंगे, डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो फिलहाल चेक करते हैं हमारा क्यू एम्प्टी है या नहीं। हमारा क्यू एम्प्टी नहीं है क्योंकि दोनों फ्रंट एंड रेयर जो है वो माइनस वन पे नहीं है। क्योंकि अगर वो माइनस वन पे है, सबसे पहला हमारा ऑब्जर्वेशन था, अगर वो माइनस वन पे है तो ही हमारा क्यू जो होता है वो एम्प्टी होता है। तो फिलहाल वो माइनस वन पे नहीं है, इसका मतलब उसमें डेटा अवेलेबल है जो कि हम डिलीट कर सकते हैं। अभी आगे वाली थिंग, अभी हमने डिसीजन तो ले लिया है कि हम डिलीट कर सकते हैं, बट डिलीट कौन से एंड पे करना है? डिलीट जो है वो हमें करना है फ्रंट एंड पे। इसलिए हमें क्या करना है? फ्रंट को यहाँ से हटाना है,
चलो हटा लिया, कहाँ पे रीइनिशियलाइज करना है, नेक्स्ट पोजीशन पे, दैट इज वन पे, यहाँ पे हमने उसके रीइनिशियलाइज कर लिया। इसका मतलब ये जो 10 था वो हमारा अभी डिलीट हो गया है। तो ये हो गया हमारा डिलीट ऑपरेशन। अभी फिर से अगर मुझे डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो यही सारी चीज़ें दोहरानी है, जिसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे कि एम्प्टी है या नहीं। तो हमारा क्यू एम्प्टी नहीं है, क्योंकि हमारा बोथ फ्रंट एंड रेयर माइनस वन पे नहीं है, तो हम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ से फ्रंट को हमें हटाना है, यहाँ पे लगाना है, मतलब रीइनिशियलाइज करना है, और ये हो गया हमारा 20, जो हमारे क्यू में था वो हो गया डिलीट। तो इसका मतलब है कि हमने फिलहाल दो एलिमेंट हमारे क्यू से डिलीट कर दी है। अब हमारा नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, अगर हमारे दोनों पॉइंटर फ्रंट एंड रेयर वो सेम पोजीशन पे अगर होते हैं तो इसका मतलब है हमारी क्यू में एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है। फिलहाल आप देख सकते हो कि हमारा फ्रंट एंड रेयर जो दोनों पॉइंटर है वो एक ही पोजीशन पे है, जिसका वो इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारी क्यू में एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है। जब मैंने फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट किया था तब भी आपने शायद देखा होगा कि जीरोथ पोजीशन पे दोनों फ्रंट एंड रेयर थे, और तब भी हमारी क्यू में एक सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट था। तो अगर फ्रंट एंड रेयर दोनों सेम पोजीशन पे है तो वो हमें बताता है कि हमारी क्यू में एक सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट है। अभी नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है, अभी नेक्स्ट ऑपरेशन हमें क्या परफॉर्म करना है, सॉरी। तो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन हो गया एन क्यू ऑपरेशन। तो हमें एन क्यू में क्या करना है, तो मैंने यहाँ से रेयर हटा दिया, यहाँ पे मैंने रेयर लगा लिया जो कि हमारा नेक्स्ट पोजीशन है, और यहाँ पे मैंने नया इंसर्ट एलिमेंट कर लिया है। तो यहाँ इस तरह से हम इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर यही ऑपरेशन हम कंटिन्यू करते रहे, मतलब कि इंसर्शन, तो हमारा रेयर चार पे जाएगा, नया एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा, फिर से हमारा रेयर एलिमेंट चार पे जाए, फाइव पे जाएगा, पाँच पे जाएगा, नया इंसर्ट कर लेंगे। एवरी टाइम हमें ये भी चेक करना है हमारा क्यू फुल है या नहीं। अभी हम देखते हैं कि फिलहाल सपोज ऐसे मानते हैं कि हमारा रेयर पॉइंटर पाँच पे है, और अगर हमें फिर से नया इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे कि मैंने ये यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हमारा रेयर यहाँ फिफ्थ पोजिशन पे है तो क्या हम इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो हमारा आंसर है नहीं, हम इंसर्ट ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी क्यू का मैक्सिमम साइज जो है वो फिफ्थ पोजीशन तक ही है, फिफ्थ पोजीशन तक ही हम इंसर्ट एलिमेंट कर सकते हैं। अभी हमारा फिफ्थ पोजीशन पे ऑलरेडी रेयर आ चुका है ऐसे हम मान रहे हैं, तो हम यहाँ पे इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि जीरो एंड वन पोजीशन तो यहाँ पे एम्प्टी है, तो हम क्यों नहीं यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो यही हमारा लीनियर क्यू का ड्रॉबैक है कि जो एलिमेंट हमने डिलीट कर चुके हैं वो स्पेस हम रीयूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, और जो ये जो ड्रॉबैक है हमारी लीनियर क्यू का, वो हम सर्क्यूलर क्यू के साथ हम इस ड्रॉबैक को ओवरकम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सर्कुलर क्यू का भी लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, अगर आपको सर्कुलर क्यू के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हो, जान सकते हो, पढ़ सकते हो। तो फिलहाल मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि यह अगर मेरा रेयर पॉइंटर फिफ्थ पोजिशन पे है, इसका मतलब मैक्सिमम साइज माइनस वन पोजिशन पे है, इसका मतलब हमारा क्यू फुल है। तो यही कंडीशन हमें चेक करनी है कि हमारी क्यू फुल है या नहीं जब हम इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अगर हमारा रेयर पॉइंटर मैक्सिमम माइनस वन पोजीशन पे नहीं है, इसका मतलब हम इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब हम अगर जीरो पे है, वन पे है, टू पे है, थ्री पे है, फोर पे है, हमारे इस क्यू के लिए फिलहाल सिचुएशन के लिए, तो हम इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। पर अगर हमारा रेयर एट मैक्स माइनस वन दैट इज फाइव पोजीशन पे है, तो हम इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इंडिकेट करेगा हमारा क्यू फुल है। तो यहाँ पे अगर वो फाइव पे है तो हमारा क्यू यहाँ पे हम इंडिकेट कर रहे हैं कि फुल है, तो हम मोर एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा एक्सप्लेनेशन क्यू फुल के लिए। तो अभी फिर से रिटर्न आते हैं, फिलहाल जो हमारा रेयर था वो तीन पे था, फ्रंट हमारा जो था वो टू पे था। अब हम नया वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जो कि है डिलीट ऑपरेशन।
तो यहाँ पे हम डिलीट करना है, उससे पहले हमें चेक करना है कि क्यू एम्प्टी है या नहीं। तो फिलहाल हमारा क्यू एम्प्टी नहीं है क्योंकि हमारा फ्रंट एंड रेयर दोनों भी माइनस वन पे नहीं है। तो हमें क्या करना है, ये हमें यहाँ से रेयर हटाना है, यहाँ पे लगाना है और री इनिशलाइज करना है, और इसका मतलब कि हमारा एलिमेंट डिलीट हो चुका है। आप फिर से देख सकते हो हमारा ऑब्जर्वेशन टू यहाँ पे फिर से ट्रू हो रहा है, बोथ फ्रंट एंड रेयर आर एट सेम पोजिशन, इसका मतलब हमारी क्यू में एक सिंगल एलिमेंट है। फिर से हम नया वाला ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वो है डिलीट ऑपरेशन। क्या हम अभी डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? हाँ, हम जरूर डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि हमारा क्यू एम्प्टी नहीं है, हमारी क्यू में एलिमेंट अभी भी अवेलेबल है। आपको ये चेक नहीं करना है कि आपकी क्यू में कितने एलिमेंट अवेलेबल है, आपको फिलहाल बस इतना चेक करना है कि फ्रंट एंड रेयर अगर माइनस वन पे नहीं है, इसका मतलब हमारी क्यू में डेटा अवेलेबल है, एलिमेंट्स अवेलेबल है और उस पर हम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलो हम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियसली देखा, यहाँ से मैं फ्रंट को हटाना है, मुझे फ्रंट को आगे लेके जाना है, तो मैंने फिलहाल चार पे उसको री इनिशलाइज कर लिया और ये जो एलिमेंट है वो डिलीट हो गया। अभी नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है, फ्रंट तो हमारा रेयर से आगे चला गया, ये तो इनवैलिड पोजिशन हो गया। तो अगर हमारा फ्रंट वेरिएबल रेयर को क्रॉस कर रहा है, उसका मतलब, इसका मतलब वो नेक्स्ट पोजिशन पे जा रहा है, तो हमारे क्यू में कुछ भी डेटा अवेलेबल नहीं है, हमारा क्यू अभी एम्प्टी हो चुका है। तो उसको हमें दोनों को री इनिशलाइज करना है टू माइनस वन। तो हम यहाँ से फ्रंट और रेयर दोनों को हटाएंगे, मैंने फ्रंट को हटा दिया, मैंने रेयर को भी हटा दिया और दोनों को मैंने यहाँ पे री इनिशलाइज कर दिया। आई एम वेरी सॉरी, ये फ्रंट नहीं है, ये रेयर है, मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे फ्रंट टाइप किया हुआ है, प्लीज कंसिडर दिस एज रेयर, आपको इसे रेयर कंसिडर करना है, आई रियली अपोलोजाइज फॉर द सेम। तो ये दोनों मेरे हो गए फ्रंट एंड रेयर एट माइनस वन, जो इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारा क्यू एम्प्टी है। अभी हम ऑल सिक्स पोजीशन, सारे छः के छः पोजीशन में यहाँ पे रीयूटिलाइज कर सकती हूँ मेरे क्यू के ऑपरेशंस के लिए, दैट इज इंसर्शन ऑपरेशन के लिए। मैं अभी सभी पोजीशंस यूटिलाइज कर सकती हूँ क्योंकि मेरा अभी क्यू फिर से पूरा एम्प्टी है और सारे पोजीशंस में यहाँ पे यूज कर सकती हूँ। मुझे ऐसे लगता है सॉरी आप लोगों को ये सारे ऑपरेशन, दैट इज इंसर्शन ऑपरेशन, डिलीट ऑपरेशन, उसके साथ साथ फ्रंट पॉइंटर रेयर पॉइंटर क्या होता है, ये सारे ऑब्जर्वेशंस क्या होते हैं, इसके साथ साथ इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है और हमारा क्यू कैसे वर्क होता है, ये आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, मेरे चैनल के साथ ट्यून रहिए। अगर मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं, यूज़फुल लगते हैं, तो कमेंट देना ना भूलिए। उसके साथ साथ मेरे चैनल के सभी वीडियोस देखते रहिए, उसको लाइक करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं मेरे चैनल के सब्सक्रिप्शन का शॉर्टकट लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। सब्सक्रिप्शन करने के बाद मेरे चैनल के वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलने के लिए आपका बेल रिंगिंग रखिए, क्योंकि रिंगिंग बेल ही आपको मेरे चैनल के नए वीडियोस का नोटिफिकेशन देता रहेगा। सारे वीडियोस आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। यहाँ पे मैं आपको सब्सक्रिप्शन के लिए लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे मैं उसके साथ साथ और वीडियोज़ का भी लिंक, शॉर्टकट लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप मेरे वीडियो के साथ ट्यून रहिए। थैंक यू।